अस्सलाम वालेकुम माय ड्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, तो कल ये वाला सेक्शन क्लीन किया था, पार्ट टू की वीडियो में ये सेक्शन क्लीन किया था और ये सेक्शन क्लीन किया था। अब आज पार्ट थ्री है, उसमें ये क्लीनिंग होगी, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें, उसमें हमने सारी स्किन केयर की चीज़ों को क्लीन किया था और इस ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज किया था, और ये पार्ट टू की क्लीनिंग है। और आज स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री, तो यहाँ से शुरू करेंगे, सारा सामान बाहर निकालेंगे और फिर ऑर्गेनाइज करेंगे सारे सामान को दोबारा। ज़्यादा सेफ रहती हैं। और इसमें से कुछ ये शाइनर है, ये भी एक शाइनर में, शिमर में है, ये भी शिमर में है, और कुछ मैट है। तो डिटेल वीडियो में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी इन नेल पॉलिशेस के बारे में। चलते हैं बाकी की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ये है नेल पॉलिशेस, एक ये निकली है बास्केट, इसके अंदर कुछ कोनियां हैं, कैचर हैं। इसके अंदर से मैं बाकी सारी चीजें निकालूंगी, इसमें सिर्फ पिंस, कोनियां और कैचर रखूंगी इस वाली बास्केट के अंदर। तो स्टार्ट करूंगी, जितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो निकाल दूंगी, सिर्फ कोनियां और कैचर इसके अंदर रखूंगी। ओके जी, ये सारा मैस निकल चुका है, यहाँ पर है ये सारी चीजें जो कि मैंने निकाली है, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। ये मैंने खाली किए हैं, एक, दो, तीन और चार, और ये वो खड़ा है हीरो, और ये सारा मैस जो भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे इनको क्लीन करने के बाद यहाँ पर। टीटू दिखाओ ग्लासेस, दिखाओ दिखाओ, वाओ, लगा के दिखाओ ना। बॉक्सेस में मेकअप का सारा सामान मैंने डाल दिया है,
इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपना सारा मेकअप का सामान आपको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल इसको मैं क्लोज करूंगी सिर्फ और संभालूंगी। किसी और दिन इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारा मेकअप मैं एक एक करके चीजें आपको दिखाऊंगी। तो ये हो गया मेकअप का सामान। यहाँ पर मैंने सारी पिंस स्केचर्स वगैरह अपने सारे रख लिए हैं। इसके अंदर सारी नेल पॉलिशेस हैं, इसके अंदर सारी लिपस्टिक्स हैं। अब हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे ड्रॉर्स में। दवाइयाँ इन कैबिन से निकली हैं सारी, एक बॉक्स में डाल दी हैं और सुई धागे वगैरह इसमें डाल दिए हैं। ये दोनों भी असेंबल हो गए हैं। इसको मैं करूँगी क्लोज, इसको भी रखेंगे हम। ये एक मैंने शू बॉक्स यूज किया, उसके अंदर मैंने सारी मेडिसिन जितनी रैंडम डिफरेंट ड्रॉर से निकली हैं सारी इसके अंदर रख दी हैं। ओके जी, ये सारा पोर्शन क्लीन हो गया। यहाँ से भी सारी चीज़ें निकल गई हैं, यहाँ से और यहाँ से भी। सिर्फ इसको नहीं छेड़ा है क्योंकि इसमें कुछ छेड़ने वाला था ही नहीं। कुराने पाक पड़े हुए और एक ब्यूटी बॉक्स पड़ा हुआ है, दैट्स इट। अब इन ये जो सारी चीज़ें मैंने नीचे अरेंज की हैं इनको ऑर्गेनाइज करना है, यहाँ पर मैनेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके जी, ये है फाइनल लुक। यहाँ पर मेरा एक ब्यूटी बॉक्स पड़ा है, कुछ बॉक्सेस की चीज़ें हेयर एक्सेसरीज बन रख ली हैं, साथ में कुराने पाक रखने की जगह है। नीचे आएंगे, यहाँ पर परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, सारे परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे रख दिए हैं, कुछ सीरम्स पड़े हुए हैं, एक डेकोरेशन पीस छोटी सी मैंने रखी है। यहाँ पर हेयर ऑयल का सेक्शन है और हेयर और ऑयल सीरम्स का सेक्शन है। ये हो गया जी एक सेक्शन। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर टिश्यू बॉक्स रख दिया है, पीछे स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा, एक ज्वेलरी बॉक्स पड़ा हुआ है, हेयर स्प्रे, जेल हेयर स्ट्रेटनर और एक ये किट पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है जी। नीचे आएंगे, यहाँ पर हेयर एक्सेसरीज की पूरी बकेट है और एक ज्वेलरी बॉक्स है और कुछ ये खाली मेरे पाउचेज हैं, ये मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ये पूरा मेकअप का ज्वेलरी बॉक्स है, ठीक है जी। ये वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी मैंने अपना एक ज्वेलरी बॉक्स रखा है, लिपस्टिक्स का बॉक्स रखा है, ये लिपस्टिक्स का बॉक्स है, नेल पॉलिशेस का बॉक्स रखा है, एक किट पड़ी हुई है और कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पर सारी स्टोरेज की चीज़ें मैंने रखी हैं, इसमें सारा मेकअप है, इसमें लिपस्टिक्स, इसमें नेल पॉलिशेस। ऊपर आएंगे, ये ज्वेलरी बॉक्सेस हैं जो रेगुलर की ज्वेलरी मैं यूज़ करती हूँ, मैंने यहाँ पर रख दिया, ये भी ज्वेलरी बॉक्स है। इसमें हेयर कॉम्ब वगैरह रख दिया और जो रेगुलर लिपस्टिक्स मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने निकाल के इसमें रख दिया है ताकि बार बार लिपस्टिक्स का बॉक्स ना निकालना पड़े। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मेरी कुछ स्किन केयर की चीज़ें हैं, अब्दुल्ला का पाउडर पड़ा हुआ है और कुछ डेली की क्रीम्स हैं वो रखती हैं और हेयर मूविंग वाटर रख दिया है, हेयर मूविंग सॉरी मेकअप रिमूवर रख दिया है यहाँ पर। और ये कुछ और स्क्रब है मेरे, यहाँ पर मैंने रखे हैं अपना जो मेडिकल बॉक्स बनाया है और सुई धागों वाला डिब्बा, वो चीज़ें। तो हियर वी गो, ये सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।